नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेट दिसंबर 2024, जून का तो आप लोग प्रिपेयर कर ही होंगे, एग्ज़ाम आने वाला है। दिसंबर के लिए आप लोगों की एक क्वेरी है जिसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन में सिलेबस कवर हो जाता है? जून का एग्ज़ाम हम देंगे तो उसके बाद हम कितने दिन वेट करें दिसंबर की तैयारी के लिए? एक आइडियल टाइम पर डे कितना पढ़ना नेट के लिए आवश्यक होता है? हम लोग 2012 से नेट की तैयारी करवा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए लगभग 12 साल से हम नेट से जुड़े हुए हैं। नेट में मैंने जो एक चीज़ देखी है, वैसे तो फिलोसॉफी का सिलेबस अगर आप नेट का देखते हैं तो ये अगर कंपेयर करूँ मैं यूपीएससी के साथ तो लगभग यूपीएससी का 3 गुना सिलेबस है। लेकिन अगर मैं देखूं कि यूपीएससी के अंदर आपको अलग अलग तरीके की अप्रोचेज डेवलप करनी होती है, नेट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो ज़्यादा इसमें हमें एफर्ट्स करना नहीं पड़ता है। दूसरी बात, हम जो क्लास करवाते हैं यूपीएससी नेट की, हमारा जो टाइम होता है पूरे कोर्स ख़त्म करने का वो ऑलमोस्ट 3 महीने का रहता है। 3 महीने में हम पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम उसको उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसका एक क्रैश कोर्स करते हैं, फिर उसका एक मॉक टेस्ट करते हैं और फिर एग्ज़ाम तब तक आ जाता है। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती है। तो 3 महीने का टाइम आपके लिए इनफ है। 3 महीने मतलब लगभग 90 दिन। इसको आप डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, मैंने हमेशा आपको समझाया है। अपनी स्क्रीन पर देखिएगा कैसे डिवाइड करते हैं इसे। मैं आपको एक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, इसके बिहाफ इसके आधार पर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेना। वो बच्चे जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि सर हम ट्यूशन नहीं कर सकते या इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजी बता दीजिए, हम तैयारी कर लेंगे। तो मेरी सारी जो क्लासेज हैं जो आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, ज़्यादा नहीं लगभग 1900 से भी ज़्यादा फिलॉसफी की क्लासेज अवेलेबल है मेरी चैनल के ऊपर। 1900 आप अंदाज़ा लगा लीजिए 2012 से कंटिन्यूसली जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। इस दौरान 2 साल ऐसे आए थे जब हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए थे किसी कारणवश। उसके अलावा लगभग अगर आप देखें 10 साल से लगातार हर हफ्ते लगभग 1 या 2 वीडियो, कई बार हर हफ्ते 3 वीडियो, 4 वीडियो, कई बार पूरा हफ्ता 0। तो मिक्सअप के अंदर सब कुछ चलता रहा। 1900 से ऊपर फिलॉसफी की वीडियोस अपलोडेड हैं। मैं आपसे कहता हूँ, ऑलवेज मैंने बहुत बच्चों से कहा है कि भैया अगर आप फाइनेंशियल बहुत वीक हैं और आपको लगता है कि मैं फिलॉसफी के अंदर काम कर रहा हूँ और अब मुझे ट्यूशन लेनी है लेकिन पैसा नहीं है, तो फाइनेंशियल जो भी बच्चे हैं उनके लिए ही ये हमारी जो चैनल है टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन, ये 1900 वीडियोस। चैलेंज करता हूँ मैं आपको, किसी भी स्टेट PCS को आप ले लीजिए, UPSC आप ले लीजिए, नेट आप ले लीजिए, सेट का एग्ज़ाम आप ले लीजिए, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन आप ले लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आप ले लीजिए, गेट का एग्ज़ाम आप ले लीजिए, और सिर्फ आप चैनल देख लीजिए, आपका काम हो जाना है, मेरी गारंटी है। इतना कंटेंट इस पर अवेलेबल है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि हम अपना शेड्यूल किस तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि हम इजीली हमारा सिलेबस कवर कर सकें। 10 यूनिट आपके पास है आपके फिलॉसफी के अंदर और 10 ही यूनिट है आपके पास आपके पेपर फर्स्ट के अंदर। 10 यूनिट को आप डिवाइड कीजिए 10 को डिवाइड कीजिए। इसमें आप बड़ी यूनिट्स, पहले मैं बड़ी यूनिट्स बताता हूँ कौन कौन सी हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, सिक्स्थ, नाइन्थ, ये 4 बड़ी यूनिट्स हैं। छोटी यूनिट्स की मैं बात करूं, ये बड़ी यूनिट्स हैं। छोटी यूनिट्स की मैं बात करूं, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और टेंथ, ये एकदम छोटी यूनिट्स हैं।
रेस्ट ऑफ जो आपकी यूनिट्स बचती है फोर्थ एंड एट्थ वो मीडियोकर मान लीजिए, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि छोटी यूनिट्स जो है अगर आप कंसंट्रेट करके इन यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं तो एक यूनिट मैक्सिमम 3 दिन का टाइम लेती है, 12 दिन, 4 या 12। बड़ी यूनिट्स की मैं बात करता हूं तो बड़ी यूनिट, एक यूनिट काम खत्म करने में लगभग 7 दिन का टाइम आप मान लीजिए, 7 चौक 28, 28 दिन कितना हुआ, 28 प्लस 12, 40 दिन। 40 दिन में आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया। मैं 90 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको, जो दो यूनिट्स बची है वो दोनों के बीच में है, ना वो 3 दिन की है ना वो 7 दिन की है, मान लीजिए वो 4 4 दिन की है, 5 5 दिन की आप मान लीजिए, 5 5 दिन की आपने उनको माना, 10 दिन और जोड़ दीजिए, 50 दिन, 50 दिन में आपकी पूरी फिलॉसफी कवर हो सकती है इजीली। और मैं कोई ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये प्रूवन है। ये अगर आप खोल के देखेंगे अपने सिलेबस को, इंडियन फिलॉसफी अगर आप उठा के देख लीजिए, बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ा सिलेबस है उसका, मान गया मैं आपकी बात, आप शुरू करें उसको, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, वैदिक दर्शन, ये दर्शन वो दर्शन सब कुछ आप पढ़ लीजिए, उसमें से आपको 7 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा, एकदम इजीली पढ़ना। यूनिट थर्ड को मैं 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, यूनिट थर्ड केवल 3 घंटे की यूनिट नहीं है, 3 घंटे, केवल 3 घंटे की यूनिट है, मैं 3 दिन का टाइम दे रहा हूं उसमें, तब भी टोटल 50 दिन हुए, 40 दिन बाकी हैं अभी आपके। आगे देखिए, पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में मैं उम्मीद करता हूं कि आप, सॉरी, पेपर फर्स्ट के अंदर जो मैथ्स का सेक्शन है, मान लीजिए 3 यूनिट्स जो मैथ्स की है, आप उसे हटा दीजिए एक बार, मैं कहता हूं कि मुझे पढ़नी नहीं है, 7 यूनिट मेरे पास बचती है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, एनवायरमेंट है, ये सारी यूनिट आप मीडियोकर मानिए, बहुत बड़ी भी नहीं है तो बहुत छोटी भी नहीं है, तो ऑन एवरेज ये 5 5 4 4 दिन का टाइम आपसे लेती है, तो 7 5 35, 35 डेज। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसको इसको हम पढ़ते किस तरीके से हैं। जब मैं यूनिट थर्ड पढ़ रहा हूं पेपर सेकंड की, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे 12 घंटे आज यूनिट थर्ड ही पढ़ी है, ये गलती मत करना कभी भी, आप मिक्सअप में पढ़ाई करना शुरू कीजिए। अगर आप इधर से यूनिट थर्ड पेपर सेकंड की ले रहे हैं तो आप उस तरफ से यूनिट फर्स्ट ले लीजिए पेपर फर्स्ट की, मिक्सअप में अपनी गाड़ी चलाइए, मिक्सअप में पर डे के आवर्स को डिवाइड कर लीजिए, पर डे का पहले अपना एक शेड्यूल बनाइए। तो जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि आइडियल स्टडी टाइम क्या होना चाहिए एक नेट के विद्यार्थी का, तो पहली बात तो आइडियल स्टडी टाइम हर विद्यार्थी का अलग अलग होता है, ये इंडिविजुअलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, व्यक्तिगत व्यक्ति ये तय होता है, बट एवरेज अगर आप टाइम मानते हैं तो 3 आवर्स मैं कहता हूँ कि बहुत इनफ है, 3 आवर्स पे बहुत कम आंकड़ा नहीं है। स्पेशली नेट के अंदर बहुत सारे बच्चे जॉब के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ये टाइम बहुत कम नहीं है। 3 आवर्स को भी आप डिवाइड कर लीजिए, 3 आवर्स भी आप कंटिन्यूअस मत पढ़िए, मैं कहता हूँ कि 3 आवर्स भी आप डिवाइड कीजिए, 3 पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 3 बहुत ही आइडल, बहुत ही ऑथेंटिक टाइम बताता हूँ आपको जब आप पढ़ाई कर सकते हैं। 1 मॉर्निंग का टाइम है, 1 घंटा आप मॉर्निंग में निकालिए, ओनली 1 घंटा। मैं नहीं कह रहा हूँ 4 बजे उठिए ना, कोई ब्रह्म मुहूर्त की बात मैं नहीं करता हूँ कभी भी, मॉर्निंग का टाइम आप निकाल लीजिए। 1 आप टाइम निकाल लीजिए इवनिंग का, 1 घंटा केवल, और 1 टाइम आप निकाल लीजिए नाइट का, 1 टाइम नाइट का। करें किस तरीके से, मॉर्निंग के अंदर आपका माइंड जो होता है थोड़ा सा फ्रेश ज्यादा होता है, नई नई इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर इजीली डाल सकते हैं, तो रटने वाला जो भी कंटेंट हो, जब आपको याद करना है, रटना है, फैक्ट फैक्चुअल्स जितने भी नॉलेज है वो आप मॉर्निंग में उठा लीजिए। रीडिंग करनी है तो इवनिंग में आप रीडिंग कर दीजिए, नाइट में फिर आप फ्रेश टॉपिक उठा लीजिए, मैथ्स निकाल लीजिए या इत्मीनान से बैठकर पढ़ने वाला कोई भी कंटेंट आप पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ आपको ऐसे ही चलना है, नहीं, जैसे आपको मर्जी वैसे कर लीजिए आप। 1 घंटा सुबह निकालिए, 1 घंटा इवनिंग निकालिए, 1 घंटा नाइट में निकालिए। एक और तरीका हो सकता है इसका कि जब आप अगले दिन मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले आप रिवाइज करें कि मैंने कल क्या पढ़ा था 1 घंटा, बस ये रिविजन बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। तो 2 घंटे आप स्टडी करें और 1 घंटे रिविजन करें, 2 घंटे स्टडी करें, 1 घंटा रिविजन करें, इसका ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा।
हमारी गलती होती है, हम 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं, और एग्जाम आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, मैंने पढ़ा क्या है उसको रिकॉल कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको रिवाइव कीजिए, तब जाकर वो चीज़ें दिमाग में कंठस्थ होना शुरू होती है, याद होना शुरू हो जाती है। तो इवनिंग और नाइट को आप न्यू इन्फॉर्मेशन फीड कर लीजिए, और मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले चेक कीजिए कल मैंने क्या पढ़ा था। बस बहुत इजी शेड्यूल है। अगर आप 9 बजे भी अपनी जॉब पर जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, तो 6 से 7 आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कल क्या पढ़ा था, बाकी अपनी लाइफ स्टाइल से कंटिन्यू कीजिए। आप शाम को अगर 7-8 बजे आ जाते हैं तो 7-8 बजे आने के बाद आप इसको वापस से नई इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, खाना खा लिया, आप सोने का टाइम हो गया, उस वक्त एक चैप्टर और पढ़ लीजिए, बात खत्म। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत होइए। दूसरी बात मैं कहता हूँ, नाइट के अंदर आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो क्लासेस देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आप करके देखिए। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत होइए, 3 आवर्स आपके लिए अच्छे हैं। एक स्टूडेंट जो कम्प्लीटली डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहा है नेट के लिए, कुछ जॉब नहीं कर रहा, कहीं कुछ और काम नहीं कर रहा, लाइब्रेरी जा रहा है, तो उसके लिए 6 to 9 आवर्स आइडल हैं। 6 से 9 घंटे तो आपको भैया निकालने पड़ेंगे। जब आप सब कुछ दांव पर लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं। मैं नहीं कह रहा 15 घंटे पढ़ाई कीजिए, लेकिन 6 to 9 आवर्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए, या तो 2x3 कर लीजिए या 3x3 कर लीजिए। 1 सिटिंग सिंगल सिटिंग में मैं 2 घंटे बैठूंगा या 3 घंटे बैठूंगा, और उसको 3-3 ब्लॉक्स में करूंगा। मॉर्निंग का स्लॉट मैं जब लूंगा लाइब्रेरी के अंदर तो लगभग 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं घर जाऊंगा या फ्रेश होऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा जो भी करूंगा, 2 घंटे मैं दिन में पढ़ूंगा, 2 घंटे मैं शाम को पढ़ूंगा, बात करो। या मैं 3 घंटे सुबह कंटिन्यूअसली करूंगा, 3 घंटे दिन में पढ़ूंगा और 3 घंटे मैं रात को पढ़ूंगा, काम खत्म, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। ये आपको लगने में बहुत लग रहा होगा कि यार टफ है, लेकिन आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान हो गया काम। ऐसे बच्चे जो 6-6, 9-9 घंटे निकाल रहे हैं वो इजीली एक साथ 2 यूनिट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सेम थिंग, मॉर्निंग या शुरुआत के जो आवर्स हैं उसको आप रिविजन के अंदर रख दीजिए, और बाकी के 2 सेक्शंस को आप न्यू इन्फॉर्मेशन में रख दीजिए। एक स्लॉट में आप पेपर सेकंड पढ़िए और एक स्लॉट में आप पेपर फर्स्ट पढ़िए। जब आप रिवीजन करेंगे तो भी उसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 1 घंटा मैं पेपर फर्स्ट का रिवाइज करूंगा, 1 घंटा मैं सेकंड का रिवाइज करूंगा, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो ऐसे में मेरा टारगेट, या मैं कहूँ कि जो मेरा हमेशा कहता हूँ, 60 डेज में आप पूरा फिलॉसफी का, पूरा पेपर फर्स्ट का सिलेबस कवर अप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। जो जॉब में है जिनको टाइम ही नहीं मिल पाता बेचारों को पढ़ने का, देखिए उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो वैसे बहुत ही हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टफ लाइफ है उनकी, ऐसे में वो पढ़ रहे हैं तो एक अच्छी बात है। उन लोगों के लिए आराम से 100 डेज लग जाते हैं सिलेबस कवर अप करने में, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रगल की लाइफ जी रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट जो डेडिकेटेडली है वो 50 से 60 दिनों में अपना सिलेबस कवर कर सकता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटेजी मैंने फिर बताता हूँ आपको, 3 पार्ट्स में अपने शेड्यूल, अपना दिनचर्या डिवाइड कीजिए, आपका डेली रूटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और इवनिंग, इवनिंग या नाइट जो भी आप कह सकें इसे। मॉर्निंग ओनली 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 रिविजन के लिए रखिए, बाकी दोनों स्लॉट के अंदर नई इन्फॉर्मेशन आप लेते रहिए। अब वो पेपर फर्स्ट आप पहले लेते हैं या पेपर सेकंड आप पहले लेते हैं ये कोई इशू नहीं है, इसमें मत पढ़िएगा प्लीज़, लेकिन शेड्यूल यही रखिएगा, मॉर्निंग में मैं रिवाइज करूंगा और बाकी में मैं स्टडी करूंगा। आप देखिएगा आपका 1 महीने के अंदर ही आपका जो ग्रिप आएगा, सिंगल 1 महीने में आपकी जो ग्रिप आएगी वो बहुत ही एक्सीलेंट होगी। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सर प्रैक्टिस का क्या शेड्यूल रखा जाए। बहुत ही अच्छी एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, हम जो UPSC को पढ़ाते हैं या बाकी एग्जाम्स को पढ़ाते हैं हायर स्टडीज़ को, वहाँ भी यही स्ट्रेटेजी हम सबको बताते हैं। 7 दिन का आपका शेड्यूल होता है, 7 दिन का आपका वीक होता है, 7 दिन के अंदर 6 दिन आप पढ़िए, 6 दिन आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, संडे या मंडे जो भी एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए, उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस करेंगे। वो 6 से 9 घंटे जो आपने डिसाइड किए हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस में जाएंगे। उस दिन रिविजन तो होगा मॉर्निंग के अंदर कि मैं क्या क्या पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो बाकी के 5-6 घंटे बचे वो सिर्फ प्रैक्टिस में, किसकी प्रैक्टिस, जो मैंने पिछले 6 दिन में पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैं कैसे उसको टैकल करूंगा, कैसे मैं उस क्वेश्चन तक पहुंच सकता हूं, ये सारे के सारे दांव पेच आपको एक दिन पूरे झोंक दीजिए, पूरा एक दिन, नेक्स्ट डे फिर से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। फिर 6 दिन के बाद 7वां दिन आएगा, फिर से रिवाइज,
लेकिन इस बार जो रिवीजन होगा वो अलग होगा। देखिएगा, एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ आपको, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आज 1 तारीख है और मैंने आज सिलेबस करना शुरू किया है। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मैं लगभग 2 यूनिट पूरी कर चुका हूं। मान लीजिए 7वें दिन मैं इन दोनों यूनिट्स का प्रैक्टिस करूंगा, पहली बात। अब आ गई 8 तारीख से लेकर 13 तारीख, 13 तारीख तक मैंने और पढ़ाई करी। मान लीजिए मैंने इस दौरान 3 नई यूनिट और पढ़ाई कर ली। अब आ गई 14 तारीख, 14 तारीख को आप सोचेंगे कि मुझे इन तीनों यूनिट का प्रैक्टिस करना है। नहीं, यहां आप गलती कर देते हैं, आपको इन 5 यूनिट का प्रैक्टिस अब 14 तारीख को करना है। 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपने 2 यूनिट और पढ़ी। अब आ गई 21 तारीख, 21 तारीख को आपको ये 5 और ये 2 7 7ों यूनिट का प्रैक्टिस करना है। भैया एक बात सोचिए, समझिए, 21 दिन में आपने 7 यूनिट पढ़ भी ली, रिवाइज भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, तीन तीन बार प्रैक्टिस कर ली। अरे क्वेश्चन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा क्वेश्चन आपसे छूट के। भैया मैं स्ट्रेटजी बनाने में आपकी हेल्प कर सकता हूं, कैसे पढ़ना है मैं आपको ये बता सकता हूं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अगर इस तरीके से 1 महीने में आप 7 7 यूनिट कवर कर रहे हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए, 2 महीने में 14, 3 महीने में 21, 20 का तो आपका सिलेबस है। और 3 महीने में एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो फिर तो सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मेरे कुछ स्टूडेंट्स 10 10 बार प्रैक्टिस करके तैयार हो जाते हैं एग्जाम से पहले और उनका स्कोर आता है फिलोसॉफी में 78 76, सही होते हैं क्वेश्चन उनके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पढ़ाने से सही क्वेश्चंस होते, नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी प्रैक्टिस जितनी परफेक्ट होगी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रेटेजी मैं बना सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कोई डाउट है तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। पढ़ना आपको पड़ेगा, ये बेसिक बेसिक एक थ्योरी समझा रहा हूं मैं आपको नेट के बच्चों के लिए। अब दिक्कत क्या आती है, देखिए फिलॉसफी और पेपर फर्स्ट के अंदर मैंने जो नोट किए इतने सालों में, पहला सबसे बड़ा डाउट, सर लॉजिक नहीं आता इसलिए मेरा नेट नहीं निकल पाता। दूसरा, सर मुझे ना मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है इसलिए पेपर फर्स्ट में नंबर नहीं आ पाते हैं। जो लोग ये बहाना बना रहे हैं ध्यान रखिएगा, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, ये झूठ है। लॉजिक नहीं आता छोड़ दो, 10 क्वेश्चन मत करना, 90 क्वेश्चन बच गए उनमें 60 क्वेश्चन सही करके दिखाओ। मैथ्स और रीजनिंग 3 यूनिट छोड़ दो, 7 बच गई, 35 क्वेश्चन बच गए, 35 में से 25 सही करके दिखाओ तो मानू। और अगर आप यहां पर 60 to 65 सही कर देते हैं, यहां आप 25 to 30 सही कर देते हैं, आपका नेट कोई नहीं रोक सकता इस संसार में। किसे झूठ बोल रहे हैं यार, सर एक लॉजिक के कारण मेरा नेट नहीं निकल पाता। भैया आप सबसे बड़े झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो ये केवल मिथ्याएं हैं, मिथ्याएं बना दी गई है। जिसको लॉजिक नहीं आता वो नेट नहीं निकाल सकता, भैया कहां लिखा हुआ है ऐसा। समझने की बात कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आप बड़े बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, इनफैक्ट आप यूपीएससी से भी ज्यादा सीनियर बच्चे हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, इन रणनीतियों को अपनाइए और नेट के अंदर लग जाइए जोरों शोरों से। हमारे दिसंबर के नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, दिसंबर के नए बैचेस हमारे शुरू होने वाले हैं। एक हमारा बैच जो शुरू होगा वो 1 जून से शुरू हो रहा है। इसके अंदर आपको जून का जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस भी मिल जाएगा, क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। दूसरा बैच जो हमारा शुरू होगा वो 15 जून से शुरू होने वाला है। तीसरा बैच जो शुरू होगा वो 30 जून से शुरू होने वाला है। 3 बैच शुरू होने वाले हैं नेट के नए, तो आइए जुड़िए, पढ़ते हैं साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।